वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज हर्ष मिश्रा एंड यू आर वाचिंग किंग क्रिकेट। तो गाइस, जब से T20 क्रिकेट की शुरुआत हुई है तब से ही शायद हर देश में लगभग अपनी T20 लीग जो है स्टार्ट हुई हैं। अगर हम देखें तो विश्व भर में तमाम T20 लीग्स होती हैं, तो हमें इन T20 लीग्स में कई ऐसे प्लेयर देखने को मिलते हैं जो इन T20 लीग में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना जलवा बिखेरते हैं। लेकिन अगर हम सभी T20 लीग्स में देखें तो IPL का एक अलग लेवल पर ही पहुँच गया है। उसके बाद बिग बैश लीग और पाकिस्तान सुपर लीग जैसी काफ़ी T20 लीग जो है स्टार्ट होने लगी हैं। तो कुछ स्टार प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो लगभग सभी T20 लीग्स में हमें देखने को मिलते हैं, सभी T20 लीग्स में वो खेलते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन 5 प्लेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका प्रदर्शन पाकिस्तान सुपर लीग में काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन IPL में वो हर बार फ्लॉप हो रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली क्रिकेट की ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचती रहें। तो आपका बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर है भाई कॉलिन इंग्राम। कॉलिन इंग्राम विश्व T20 में शानदार रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। इन्होंने T20 में लगभग 250 से ज़्यादा मैच खेले हैं और इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और विश्व भर की तमाम T20 लीग्स में 9 से ज़्यादा टीमों से खेल चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स और IPL में दिल्ली कैपिटल्स की टीम से खेलते हैं। कॉलिन इंग्राम को IPL में काफ़ी बड़े अमाउंट में ख़रीदा गया। उन्होंने 2 सीज़न 2011 और 2019 में लगभग 15 मैच खेले हैं, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। अपने डेब्यू सीज़न में 3 से ज़्यादा मैच खेले थे। उन्होंने मिडिल ऑर्डर में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 12 मैच खेले हैं जहाँ सिर्फ 184 रन ही बनाए हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का उनका जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी शानदार है। उन्होंने अपनी टीम में 34 के एवरेज से और 153 के स्ट्राइक रेट से 587 रन बनाए हैं। तो हमें इनके PSL और IPL के मुकाबले ज़्यादा इनका रिकॉर्ड अच्छा रहता है। नंबर 2 पर है भाई टाइमल मिल्स। टाइमल मिल्स 2016 और 2017 सीजन में काफ़ी चर्चा में रहे थे। उनकी वजह से वह IPL ऑक्शन 2017 में सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर्स में से एक थे। उनके पास खतरनाक पेस के साथ साथ एक्स्ट्रा बाउंस और उनकी स्लोअर बन जो है वो किसी भी बैट्समैन को खतरा बन सकती है। शायद इन्हीं सभी खूबियों के चलते उन्हें IPL 2017 में RCB की टीम ने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था और 12 करोड़ में खरीदा भी था, जहां इन्होंने 5 मैच खेले थे, सिर्फ 5 विकेट ही ले पाए थे। लेकिन इनका जैसा टीम एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा इनकी परफॉर्मेंस रही नहीं और बुरी तरह से फ्लॉप रहते। अब हम उनके PSL के आंकड़े देखें तो काफ़ी इंप्रेसिव हैं। PSL में उन्होंने 17 पारियों में 23 विकेट लिए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट बॉलिंग की वो भी 16.5 की रही है। शायद इसीलिए पाकिस्तान सुपर लीग में ये परमानेंट प्लेयर हैं। इस लिस्ट में नंबर 3 पर हैं भाई डैरेन सैमी। बेशक डैरेन सैमी जो काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, साथ ही वो एक बढ़िया कैप्टन भी हैं, लेकिन इनका जो IPL कैरियर है कुछ खास नहीं रहा है। इन्होंने IPL में अपनी टीमों में 2 टीमों से IPL में खेला है, एक तो RCB और दूसरी सनराइजर्स हैदराबाद, जहां इन्होंने टोटल 22 मैच खेले हैं और 19 की एवरेज के साथ 122 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाए हैं। वहीं अगर इनके हम पाकिस्तान सुपर लीग के आंकड़े देखें तो पेशावर जालमी की टीम से ये खेलते हैं और 45 मैचों में 27 की एवरेज के साथ साथ इनका 150 का स्ट्राइक रेट भी है। तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो हाईएस्ट रन स्कोरर्स हैं उस लिस्ट में ये 15वें नंबर पर आते हैं, साथ ही इनकी कैप्टेंसी भी काफ़ी बढ़िया रहती है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर हैं भाई रेले रेशोक। एक टाइम था जब रेले रेशोक इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी अच्छे जो हैं स्टेप्स बढ़ा रहे थे, साथ ही लिमिटेड क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के सॉलिड बैट्समैनों में आने लगे थे। लेकिन उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए 15 T20 और 36 जो है ODI भी खेले थे। 2016 में उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम से रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद ये हैम्पशायर के लिए लगातार खेलते रहे हैं। कुछ सीज़न ये IPL में RCB के लिए भी खेले थे, जहां इन्होंने सिर्फ 2 सीजन्स में 5 मैच खेले और परफॉर्मेंस इनकी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं थी, जिसके कारण ये बाहर हो गए। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में इनका लगातार इन्होंने प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए इन्होंने 34 की एवरेज के से लगभग 750 रन बनाए हैं और हाइएस्ट रन स्कोरर्स की लिस्ट में नंबर 7 पर ही आते हैं। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है जोए डेनली। हालांकि जोए डेनली अब धीरे धीरे जो है टेस्ट क्रिकेटर के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन इनका जो वाइड बॉल गेम भी काफ़ी अच्छा रहा है। T20 में इनके पास 5000 से ज़्यादा रन भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग और IPL का जो एक एक सीज़न खेला है, कराची किंग्स में काफ़ी बढ़िया खेले हैं, लेकिन IPL में इनका प्रदर्शन जो काफ़ी बढ़िया नहीं रहा है। KKR की टीम से खेले थे, जहाँ इन्होंने डेब्यू मैच में डक पर ही आउट हो गए थे, उसके बाद इन्हें मौका भी नहीं मिला। तो ये थे भाई वो 5 प्लेयर जिनका जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान सुपर लीग में काफ़ी बढ़िया रहता है और IPL में उनका रिकॉर्ड जो है एकदम फ्लॉप रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें अपनी राय अपने विचार दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।